कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। इस दौरान पहले से भी कई एक्सपर्ट्स ने यह बयान दिया है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामले पहले से ज़्यादा आ सकते हैं। अब देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का एक बयान सामने आया है, जिसमें डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि प्रदूषण का बढ़ना कोरोना को बढ़ावा दे सकता है। प्रदूषण से बढ़ेंगे कोरोना के मामले। प्रदूषण के पीएम 2.5 स्तर में मामूली बढ़ोतरी भी कोरोना वायरस के मामलों को 8 से 9% तक बढ़ा सकती है। कोरोना के साथ प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों और श्वसन संबंधी बीमारियां भी और बढ़ सकती है। सर्दियों के महीनों के दौरान लोगों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। चीन और इटली के डेटा बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है वहाँ कोरोना के मामलों में कम से कम 8 से 9% की बढ़ोतरी जहाँ पीएम 2.5 के स्तर में थोड़ी देखी गई है। सर्दी के मौसम में बढ़ेगा खतरा। संक्रमण पर हमारे सर्विलांस डेटा से पता चलता है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां भारत में 2 बार उभरती है, एक बार मानसून के मौसम में और एक बार ठंड में। कोरोना वायरस भी सांस से जुड़ा हुआ एक वायरल संक्रमण है और लगभग इन्फ्लुएंजा की तरह ही व्यवहार करता है। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए इसे 30 से 40% तक कम किया जा सकता है। फेफड़ों की दिक्कत बढ़ सकती है। सर्दियों के मौसम में हमें घर में रहने की आदत होती है। घर में ज़्यादा लोगों के रहने की वजह से संक्रमण एक से दूसरे में आसानी से फैल सकता है। सर्दियों में श्वसन वायरस भी आसानी से फैलता है, इसलिए ऐसे मामलों में वृद्धि देखी जा सकती है। प्रदूषण पर हुई स्टडी। वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों में सूजन आ जाती है और SARS-CoV-2 भी मुख्य रूप से फेफड़ों को ही प्रभावित करता है, जिससे सूजन होती है। संभव है कि ऐसे समय में भारत में कुछ इलाकों में जहां प्रदूषण का स्तर अधिक है वहां गंभीर संक्रमण फैल सकता है। इसके लिए सभी से सावधानी बरतने और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ साफ करने जैसे प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जाता है। त्यौहार में लापरवाही पड़ सकती है भारी। त्यौहारों के मौसम में भीड़ बढ़ने की संभावना अधिक होती है और थोड़ी सी भी लापरवाही संक्रमण को फैला सकती है। लोगों को इस साल सीमित तरीके से त्यौहार मनाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP24, रायपुर।